शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर माननीय मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान समारोह से सम्मानित हमारे 5 आदरणीय गुरुजन डॉक्टर कमलेश तिवारी जी, जो प्रधानाचार्य हैं झुंझुनवाला पीजी कॉलेज में, जिनको आज माननीय मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन और वंदन करते हैं। नंबर 2 पर डॉक्टर त्रिलोकी यादव जी, एसोसिएट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन और वंदन करते हैं। नंबर 3 पर डॉक्टर राम निहोर उप प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज अयोध्या, हम आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। नंबर 4 पर श्रीमती अख्तर बानो प्रधानाध्यापिका कंपोजिट विद्यालय मुमताज नगर शिक्षा क्षेत्र मसौदा अयोध्या, हम आपका भी माननीय मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान से सम्मानित होने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। नंबर 5 पर श्रीमती प्रीति सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय बाहरपुर शिक्षा क्षेत्र तारुण, हम आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज हमारे इस मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, और मुझे लगता है कि आज जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, अपने इस विधानसभा में अगर किसी को 9 बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त है, तो आज अयोध्या की धरती माटी के लाल आदरणीय अयोध्या प्रसाद जी को है, और आज वो इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि के रूप में मौजूद है आशीर्वाद देने के लिए। हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे बीच में अयोध्या के पूर्व विधायक, हम सबके अभिभावक आदरणीय दादा जयशंकर पांडे जी मौजूद है, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो शिक्षक सभा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में विधान परिषद सदस्य हैं, MLC हैं, झांसी इलाहाबाद क्षेत्र से आज हमारे बीच में अपना अमूल्य समय दिए हैं, हम आपका भी अयोध्या की धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष आदरणीय गंगा सिंह यादव जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में फैजाबाद अयोध्या के पूर्व BSA और लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले आदरणीय राम लखन यादव जी मौजूद हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे बीच में मंच पर अयोध्या महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी शिक्षक सभा को, आदरणीय गुरुजी दान बहादुर सिंह जी को, इनकी पूरी टीम को, महासचिव घनश्याम यादव सहित ये पूरी टीम है, डॉक्टर घनश्याम यादव जी, डॉक्टर विमल सिंह यादव जी, श्री संत प्रसाद मिश्रा जी, श्री अवनीश प्रताप सिंह जी, श्री रामचेत यादव जी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री आनंद कुमार शुक्ला जी, श्री अमरनाथ सिंह जी, श्री रामचंद्र वर्मा जी, श्री अनिल मिश्रा जी, श्री मोहम्मद अजहर अली जी, श्री रविन्द्र गुप्ता जी, श्री प्रभाकर सिंह जी, श्री जयप्रकाश चौरसिया जी, श्री लालचंद्र यादव जी, श्री जगन्नाथ यादव जी, श्री अशोक साहनी जी, श्री कैलाश यादव जी, श्री मृत्युंजय सिंह जी, श्री सतप्रकाश जी, श्री अंबुज मालवीय जी, श्री तहसीलदार सिंह जी, श्री रणधीर सिंह जी, डॉक्टर हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, श्री दलसिंहार गौड़ जी, श्री दलसिंहार वर्मा जी, श्री प्रदीप कुमार तिवारी जी, संतोष कुमार मौर्य जी, अमित कुमार मौर्य जी, श्री नारायण द्विवेदी जी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश वर्मा जी, प्रभाकर वर्मा जी सहित मैं पूरी शिक्षक सभा को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज शिक्षक, कल शिक्षक दिवस है 5 तारीख को, और आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर 2012 से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज ये जितने गुर्जर हमारे बीच में आए हैं, आज ये जितने गुर्जर हमारे बीच में सम्मानित हुए हैं, इनके सम्मान से हमारा और पूरी समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर कोई चुनाव नहीं है कि आपसे वोट मांगने की हमने आपको आमंत्रित किया, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। कोई दल हो, सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई दल हो, कोई नेता हो, कोई मनुष्य हो, जब तक वो अपने गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं पाता, जब तक वो शिक्षा नहीं पाता, जब तक वो विद्यालय में पढ़कर आगे नहीं बढ़ता, तब तक वो राजनीति के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता। और आज ये गुर्जर यहाँ पर मौजूद है, मुझे आज को इस अवसर पर कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है, टीचर ही एक ऐसा माध्यम है, शिक्षक एक ऐसा माध्यम है, जो इस प्रदेश को, इस जनपद को अपने घर और परिवार को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं।
अगर आज गुरुजन न हो, आज अध्यापक न हो, तो आज आप सोचिए, हम जिस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, जिस हिंदुस्तान को हम अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं, अगर ये हमारे गुरुजन न हो, हमारे शिक्षक न हो, तो क्या ये हिंदुस्तान ऐसा हो सकता है? क्या हम अखंड भारत की परिकल्पना कर सकते हैं? किसी शायर ने लिखा है कि राह पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, राह पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। और आज करीने से तराशने वाले सारे गुरुजन यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, शिक्षक और अध्यापक, गुरुजन और शिष्य और विद्यालय, ये इस देश की एक ऐसी परंपरा है जो इस देश को, प्रदेश को, परिवार को आगे ले जाने का काम करती है। मैं तो चाहता हूँ, आज मुझे खुशी है कि हमारी महिला टीचर और बहनें यहाँ पर बहुत संख्या में हैं, अच्छी संख्या में मौजूद हैं। जब कोई महिला पढ़ती लिखती है, कोई बच्ची पढ़ती लिखती है, बहन आगे बढ़ती है, तो केवल अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाती, कई परिवारों को आगे बढ़ाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां भी आगे बढ़े, तरक्की के रास्ते पर जाएं, विकास के पथ पर आगे बढ़े। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मैं ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे ऐसे गुर्जर हैं, जिन्होंने अभाव में भी बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाया है। आज मुझे मालूम है प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति है, क्योंकि हम सरकार में रहे हैं। समाज में एक सबसे बड़ी भ्रांति क्या है, समाज में लोगों को लगता है जो अध्यापक है वो सबसे बड़ा चोर है। आज जो समाज में भ्रांति, सबसे बड़ी भ्रांति, लोगों को लगता है अध्यापक जाता है विद्यालय, प्राइमरी का अध्यापक पढ़ाता ही नहीं। लेकिन हमने देखा, मैं आज इस बात को आपके सामने बड़ी मजबूती से कह रहा हूं, ये प्राथमिक के हमारे अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, सुबह उठते हैं, कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर जाते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब गांव देखिए, जो अच्छे स्कूल हैं, मॉडर्न स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहां पर सुविधाएं हैं, वहां पर अच्छे रूम भी है, एसी भी है, कुर्सी मेज भी है, चेक भी है, बॉक्स भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है? उन विद्यालयों में जहां आप किसी गरीब किसान के बच्चे को, किसी ठेला चलाने वाले के बच्चे को, किसी किसान के बच्चे को, किसी मजदूरी करने वाले के बच्चे को, किसी अध्यापक के बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसकी जिंदगी को आप बनाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप समाज का उत्थान करने का काम और समाज को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में तो अमीरों के बच्चे जाते हैं, लेकिन जब कोई गरीब का बच्चा निकलता है, गुरुजी मुझे कहते हुए इस बात को आज यहाँ पर गर्व हो रहा है कि हमने आज तक कभी किसी अखबार में नहीं पढ़ा किस किसी अरबपति के बच्चे ने कोई कंपटीशन टॉप किया हो। हमने नहीं पढ़ा आज तक कि किसी पूंजीपति के बच्चे ने किसी एग्जाम को टॉप करके पूरे देश में नाम रोशन किया हो। हमने पढ़ा है अखबार में कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला फला ठेले पर सब्जी वाले के बेचने वाले पूरे देश में टॉप करके नाम को गौरवान्वित किया। अगर यह अवसर मिलता है तो आप सारे लोगों की बदौलत मिलता है। इसलिए हम आपको धन्यवाद और देना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं। ये समर्पण है, इसी को समर्पण और संस्कार कहते हैं। देखिए, समर्पण और संस्कार जिंदगी में तो बड़ी चीजें हैं। समर्पण होना, सरल होना और संस्कार, ये चीजें जिस दिन आदमी की जिंदगी में आ जाएंगी, उस दिन उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं कहना चाहता हूं, किसी क्षेत्र में अगर आपका समर्पण होना, सरल होना, त्याग होना, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, ये आपके स्वभाव से होता है। सरल होने का यह मतलब नहीं है कि कार्यक्रम चल रहा है तो हम जमीन में बैठ गए तो हम बहुत सरल हैं। सरल ये नहीं होता। सरलता तो स्वभाव से होती है कि हमारा स्वभाव कैसा है। कभी कभार कोई विद्वान आदमी, जो बहुत विद्वान हो, ज्ञानी हो, वो जमीन में भी बैठ जाता है तो लगता है कि कोई विद्वान, कोई आचार्य, कोई संस्कार बैठा है। और कभी कभार कोई मूर्ख आदमी अगर सोने के सिंहासन पर भी बैठ जाए तो पता लग जाता है कि मूर्ख आदमी सिंहासन पर बैठा है। ये देन अगर किसी की होती है तो गुरुजनों की होती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज इस शुभ अवसर पर आप सारे गुरुजन यहाँ पर आए, आपने आकर के हमारा और हमारी पार्टी का, हमारे शिक्षक सभा का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। मुझे कहते हुए इस बात को गर्व होता है। कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, आज अगर शिक्षकों का सबसे ज्यादा किसी ने सम्मान आजादी के बाद किया तो उस नेता का नाम आदरणीय मुलायम सिंह यादव और कोई दूसरा नहीं।
संस्कृत के अध्यापक बैठे हैं। सरकार बात करती है बहुत बड़ी बड़ी कि हम संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। संस्कृति क्या है? जो हमारा पूजा पाठ यज्ञ संस्कृत विद्यालय में सब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। आज संस्कृत विद्यालय को बंद करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। संस्कृत के विद्यालय कम से कम 500 विद्यालयों को सहायता देने का काम, मदद करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। जो 50-60 हजार रुपए तनख्वाह मिलने का प्राविधान हुआ वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। विद्यालयों को अनुदान दिया गया, सरकार ने सहायता दी, लेकिन आज उनको भी खत्म करने का प्राविधान किया जा रहा है। अध्यापकों के रिटायर होने के बाद माननीय मंत्री जी, आप उस समय माननीय मंत्री थे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, पहले टीचरों को रिटायर होने के बाद अपने पूरी पैसे को लेने के लिए भटकना पड़ता था, पेंशन को लेने के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक कलम से आदेश किया कि कोई शिक्षक अगर रिटायर होगा तो उसके खाते में पैसा एक दिन के अंदर उसके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और उसकी पेंशन भी खाते में जाएगी। अगर इसका प्राविधान किसी ने किया तो उस नेता का नाम आदरणीय अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आज धरती की क्या स्थिति है? अभी भी हम लोग सरकार में नहीं है, हारे हुए हैं, लेकिन तब भी अध्यापक आते हैं हमारा ट्रांसफर करा दीजिए, हम दूसरे जिले में परेशान हो रहे हैं। क्या स्थिति है? चाहे आज माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, आज धीरे धीरे गिरावट की ओर है। और गिरावट का कारण क्या है इस पर भी चिंतन मनन हमको आपको स्वयं करना चाहिए। सरकार की नीतियां, सरकार का व्यवहार और अधिकारियों की जो तानाशाही है, मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा कारण है कि हमारी शिक्षा का पतन होता जा रहा है, व्यवहारिक चीजों का अभाव होता जा रहा है। जो व्यवहारिक चीजें हमको मिलनी चाहिए, जो व्यवहारिक चीजें हमारे व्यवहार में आनी चाहिए शिक्षकों के, आज उसका अभाव है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, इस देश की आजादी की लड़ाई से लेकर और आज तक अगर इस देश का परिवर्तन, देश का सम्मान, देश को आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो अध्यापकों ने, गुरुजनों ने किया। आज जो हिंदुस्तान इतना मजबूत है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे रक्षा के क्षेत्र में, आप किसी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आज ये गुरुजनों की देन है कि हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी परिकल्पना के साथ आप सभी गुरुजन यहाँ पर आए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और अपने शिक्षक सभा को धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम हर वर्ष होता रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहे और आने वाले समय में हमारी अयोध्या पूरे विश्व में और आगे बढ़े, हमारा उत्तर प्रदेश मजबूत हो और हमारा हिंदुस्तान विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र बनकर उभरे। इसी परिकल्पना के साथ जो हमारे पांचों गुरुजनों को माननीय मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया, इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जितने हमारे गुरुजन यहाँ पर आए हैं सभी को प्रणाम करता हूँ और एक निवेदन और करूंगा कि शिक्षक सभा के द्वारा आप सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। हमारे कोई गुरुजन बगैर भोजन किए नहीं जाएंगे वरना हम सबको बहुत ही दुख होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, खैर मकदम इस्तकबाल करता हुआ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।